व्हाट्स अप गाइस, सरवेद हियर। सो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के 20th अप्रैल वाले इवेंट के, और उसमें तीन मेन प्रोडक्ट्स अनाउंस हुए थे। फर्स्ट वन इज द आईपैड दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेक्स्ट वन इज iMac, एंड थर्ड इज एयर टैग्स। अब जो फर्स्ट डिस्प्ले हुआ था वो था iMac, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया है पहले से, और इसमें बहुत सारे कलर्स आ गए हैं। पर इंडिया में कितने लोग iMac एक्चुअली परचेज करना चाहते हैं, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरे को MacBook की बहुत रिक्वेस्ट आती है, बट कोई भी iMac कवर करने के लिए नहीं कहता। आई थिंक सबको लैपटॉप ही चाहिए, और डेस्कटॉप वाली फील अभी किसी को नहीं चाहिए, बट ये एक बेटर डिस्प्ले होता है और एक बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस भी होगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ़ैन वगैरह की जगह ज़्यादा होगी, तो एक्सपेक्टेड है कि सेम चिप के साथ बेटर परफॉर्म करेगा ये। और गाइस, ओवरऑल काफ़ी जो चेंजेस हैं वो नहीं आए हैं मैकबुक से, क्योंकि पहले जो i3, i5, i7 होता था, अब एप्पल सिलिकॉन हो गया है सब कुछ, और उन्होंने M1X नहीं निकाला जो एक्सपेक्टेड था, बट M1 ही है। सो जितने भी डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं उन सब में M1 डाला है, iPad में भी और iMac में भी। सो ये काफ़ी वियर्ड अप्रोच है मेरे हिसाब से, ये इन्होंने सबको ही सेम कर दिया है, चाहे वो MacBook Air हो, MacBook Pro हो, iPad हो, सबके अंदर सेम CPU और GPU परफॉर्मेंस है, और ये जो गैप है iPad और MacBook Air का उसको बहुत कम कर देता है। और गाइस, इसके अंदर एक और चीज़ आती है, टच ID इन्होंने ऐड कर दी है इसके कीबोर्ड के अंदर। जो वायरलेस कीबोर्ड होता है, वायरलेस माउस होता है, इनको आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं, जो टच ID वाला होता है, इसके $100 एक्स्ट्रा होते हैं। सो आप वो भी कर सकते हैं। आई थिंक टच ID काफ़ी यूज़फुल होता है, एटलीस्ट इन MacBook, मेरे को बहुत ही ज़्यादा हैंडी लगता है वो, कुछ भी इंस्टेंट लॉग इन करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो आई थिंक वो मस्त है, अगर आप iMac ले रहे हैं सो टच ID के लिए ज़रूर ऑप्ट करना, $100 में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो ईज़ ऑफ यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी से आपके सारे पासवर्ड्स वगैरह खुलते हैं और आप ईज़िली सब कुछ इनपुट कर सकते हैं। और गाइस, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी वो होगी सिमिलर M1 MacBooks के, क्योंकि सेम है, और जो कलर्स वगैरह है कीबोर्ड के अंदर, मैजिक माउस के अंदर, इन सब के अंदर सेम कलर्स आएंगे जो आपके iMac पे आते हैं। एंड गाइस, ये जैसे अगर आप माउस ही ले लें, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, और $1300 तो इंडिया में अराउंड 1 lakh के कुछ भी ऊपर ही लगा सकते हैं आप। सो ये ज़रूर ध्यान में रखना, अगर आप डॉलर से कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीस में तो वो नहीं होगा, सो इट वुड बी अराउंड 1 lakh 10,000-20,000। एंड नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, वो है iPads पे। iPad में भी सेम चिप है, और ये MacBook Air से कम्पीट कर रहा है, और जो MacBook Air का बेस मॉडल है उसमें 7-core GPU मिलता है, और इसमें 8-core GPU मिलता है। सो जो 812Z थी पहले MacBook iPad Pro में, सो वो अब नहीं है, और उससे 75 टाइम्स फास्टर बता रहे हैं, जो फर्स्ट जेन iPad था M1, उससे 75 टाइम्स फास्टर है, और ये काफ़ी बड़ा लीप है एक्चुअल में, बट वो फर्स्ट जेन से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आप इसको गलत मत लेना, वो लास्ट iPad से नहीं है, वो फर्स्ट जेन से है, सो उससे तो फ़र्क आएगा ही आएगा। एंड अब जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, iMovie है, Adobe के सॉफ्टवेयर्स हैं, गेम्स हैं, सो ये सब कुछ बहुत बेटर चलेंगे iPad पे, क्योंकि वो बस आपको मैक ओएस नहीं मिल रहा है, लेकिन M1 की पूरी परफॉर्मेंस मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी वियर्ड अप्रोच है, सबके अंदर सेम ही चिप डाल दी है। अब इससे परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आएगा, एंड ओवरऑल जैसे MacBook Air है वो फैनलेस डिज़ाइन है, सो इसमें भी आई थिंक कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए हीटिंग के, क्योंकि उसमें नहीं आते। एंड जो स्टोरेज है वो भी अपग्रेड करी है, और
जो अपग्रेड है अगर यहाँ पे लिखते हैं वो 2 TB स्टोरेज तो वो नहीं मिलती, आपको एक्चुअल में 128 GB ही मिलती है। और जैसे जैसे आप स्टोरेज अपग्रेड करते हैं उसका प्राइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी आपको दिखेगा इसका क्या प्राइस है, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है वो। और इसी के साथ एक और चीज़ आई है, वो है मिनी LED डिस्प्ले। सो मिनी LED डिस्प्ले जो है उसमें और नॉर्मल iPad Pro में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले का फ़र्क है। और उन्होंने उसको एक बड़ा सा नाम दे दिया है, XDR कुछ कुछ करके। एंड जो फ़र्क है वो सॉर्ट ऑफ OLED पैनल और एक नॉर्मल पैनल LCD LED वाले पैनल में है। सो OLED इज़ डेफिनेटली बेटर, और उसके कलर्स वगैरह सब बहुत बेटर होते हैं। सो इसमें जो ब्राइटनेस है वो 1000 से 1600 तक जाती है, वो बहुत ज़्यादा है अगर आपको निट्स के बारे में नहीं पता। और जो डिमिंग जोन्स है, जो ब्लैक्स होते हैं, वो कितने पंच करते हैं और आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कोई ब्लैक है, आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऊपर वाला बेजल है या आपकी स्क्रीन है। सो उतना अच्छी स्क्रीन होती है। सो जो $800 iPad है और $1100 iPad Pro वाला जो मॉडल है जिसमें डिस्प्ले का फ़र्क है, उसमें एक्चुअली सिर्फ एक ही डिफरेंस है और कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। एंड थर्ड चीज़ जो आती है, आई डोंट थिंक वो इंडिया में लॉन्च हो रही है, ए टैग्स अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। और ये $30 का है, इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करें अराउंड 2500 रुपीज़ हो गया। सो ये बेसिकली है कि आप इसको किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं और अपने आईफोन में कन्फिगर कर सकते हैं। और ये जब भी आप उसको कहीं भी इधर उधर रखेंगे, आपको बेसिकली ट्रैक करके बता देगा कि वो कहाँ है, या स्पीकर से एक वॉइस थ्रो करेगा कि वो कहाँ है, और आप उसको इजीली ढूंढ सकते हैं। सो ये टाइल्स की तरह है जो पहले लॉन्च हो रखा है, और ऐसे पहले कंसेप्ट्स आ रखे हैं, और इन्होंने इसको बेटर करके बनाया है, काफ़ी सिक्योर बनाया है, और इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस दिखाए हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट मेरे को लगता नहीं ये इंडिया में इतनी जल्दी आ रहा है। और अगर आता है तो आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको एक्चुअल में इसकी नीड है तो। एंड इंडिया वाली वेबसाइट पे चलते हैं, डॉलर्स में नहीं। सो एक पर्पल आईफोन आ रहा है 12, कोई वेट कर रहा था कि इसके बारे में, मेरे को नहीं लगता ये अननेसेसरी पर्पल आईफोन जो निकाला है, आई डोंट थिंक उसके बारे में कोई भी वेट कर रहा था। एंड मेन जो हमारे को देखनी है वो है आईपैड प्रो की प्राइसिंग। सो 72,000 जो $700 वाला आईपैड था वो 72,000 का आया है। सो डॉलर का रेट एप्पल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, बट ये एक्चुअल में टैक्सेस वगैरह का जो भी फ़र्क होता है वो आ जाता है यहाँ पे। सो 72,000 का 128 GB वाईफाई वाला सेल्यूलर अगर आपको और चाहिए तो वो और एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड दूसरे वाला 1 lakh का कॉस्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड 1 lakh का iPad लेना सही रहेगा? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आपको इतनी अच्छी स्क्रीन चाहिए तो आप काफ़ी कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब 30,000 में आपको एक अल्ट्रा वाइड पूरा पैनल भी आ सकता है। ऑब्वियसली उसमें मिनी LEDs नहीं लगी होंगी, पर वो एक डिसेंट बड़ा सा पैनल होगा। सो मेरे को कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि आप एक स्क्रीन पे डिस्प्ले जो बेटर हो रहा है उस पे इतने एक्स्ट्रा मनी थ्रो करने को रेडी हो या नहीं। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और गाइज हमारे चैनल का एम है कि अप्रैल एंड तक 2500 सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।